हमारे साथ मौजूद हैं सर, जगह जगह भाजपा प्रदर्शन करना कर रही है, क्या मैसेज देना? उधर ही आ जाओ, वही मीडिया को देखो। देखिए पानी पानी का जो संकट है वो अपने आप में बड़ा संकट है और केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है इस संकट को हल करने में और इसे वो केवल और केवल आरोप की राजनीति करेंगे। हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा। ये उनका केवल आरोप है। हरियाणा ने आंकड़े देकर के ये कहा कि जितना पानी दिल्ली को चाहिए तो उससे ज्यादा पानी हरियाणा ने दिल्ली को दिया है। तो केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार केवल मात्र आरोप लगाना जानती है, दिल्ली दिल्ली के लोगों की समस्या का समाधान करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। दिल्ली सरकार का ये भी आरोप है कि षड्यंत्र के तहत जो मेन पाइपलाइंस हैं उनके नट बोल्ट करते जा रहे हैं। तो फिर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली दिल्ली सरकार के लोग ही इस काम को कर रहे हो और वो उल्टा आरोप और लोगों पर लगा रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा अगर दिल्ली में इसी तरीके से स्थिति बनी रहे? अगर 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 केजरीवाल की सरकार अगर दिल्ली की पानी की समस्या हल नहीं करेगी तो मजबूर होकर के हमें दिल्ली के लोगों के समर्थन में सड़क पर उतरना। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दिल्ली सरकार पानी की समस्या को हल नहीं कर पाएगी तो अब भाजपा जो है लोगों के साथ सड़कों पर उतरेगी। वीडियो जनसंकाश के साथ भावना न्यूज इंडिया दिल्ली।